हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि Amazon पे अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है और Flipkart पे बिग बिलियन डे, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती है कि लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देती है, इनफैक्ट अभी कर भी रही है। आप उल्लू ना बने इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना वक्त जाए किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि Amazon और Flipkart पे सेल लगा हुआ है। ऐसे में आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, या आप यूं कह लें तो वो प्रोडक्ट बेकार है, घटिया है, यूजलेस है। तो सवाल यह है कि सही प्रोडक्ट को कैसे चुने। तो सबसे पहले सही प्रोडक्ट को चेक करने के लिए उसका रेटिंग चेक किया जाता है। बात यहां रेटिंग पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। रेटिंग चेक करने के दौरान आप ये देखें कि उस प्रोडक्ट पे कितनी रेटिंग्स हैं। मतलब ये कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा हुआ है और पहले से रेटिंग दिए हुए हैं उनकी नंबर्स कितनी है। आपको बता दें कि वो नंबर्स कम से कम 100 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 100 से कम है तो आप यूं समझिए कि कंपनी वाले खुद ही दे लेते हैं, ये उनके ही टीम मेंबर्स होते हैं, 30-40 पे खर्च करके अपनी रेटिंग्स बढ़ा लेते हैं। इसलिए याद रखें दोस्तों, प्रोडक्ट की रेटिंग 4 स्टार से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 3 या 3.5 है तो भी उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स खराब आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने वाले हो तो उस प्रोडक्ट का सेलर चेक करें और ये देखें कि सेलर की रेटिंग्स कितनी है। अगर सेलर की रेटिंग 4 स्टार से कम होती है तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आपको शायद का इश्यूज आ सकता है, सामान डिफेक्टेड हो सकता है या फिर वो बहुत लेट से आएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सेलर का रेटिंग कम से कम 4 स्टार होनी चाहिए, या फिर 4 स्टार से ज्यादा है तो अच्छी बात है। और तीसरी चीज है, कस्टमर का रिव्यू चेक करें, यानी प्रोडक्ट के प्रति लोगों का फीडबैक। यानी अगर किसी प्रोडक्ट का रेटिंग ज्यादा है तो उसे ऐसे ही ना खरीदने। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट का रिव्यू चेक करें, पढ़ें समझें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। क्योंकि कई कंपनीज क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट का रेटिंग्स बढ़ा लेती हैं, इवन रिव्यूज भी। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 4-4 स्टार लगे हुए हैं और इसके रेटिंग्स में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेटिंग्स खरीदे हुए हैं। लेकिन अगर आप कस्टमर का रिव्यू देखेंगे तो आपको 1-1 स्टार देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना कंसर्न भी। मतलब जो लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और डिफेक्टिव रहता है या फिर कुछ भी खराबी रहता है तो अपना प्रॉब्लम, अपना दिक्कत उस कमेंट सेक्शन में जाहिर करते हैं, तो यही चीज उन्होंने मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट की रेटिंग के साथ साथ रिव्यूज भी खरीद लेती हैं। मतलब ये कि लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं। तो कंपनीज क्या करती है कि ऐसे कमेंट को खरीद लेती हैं, ऐसे रिव्यूज को खरीद लेती है। तो ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रिव्यूज रियल है और कौन से फेक। तो ये जानने के लिए आप रिव्यूज को अच्छे से पढ़ें और ये देखें कि कहीं ये सेंटेंस रिपीटेड तो नहीं है, लाइक नाइस प्रोडक्ट, नाइस, गुड 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 गुड, वेरी गुड, नाइस प्रोडक्ट, ऑसम प्रोडक्ट। मतलब सेंटेंसेस और वर्ड्स मतलब रिपीटेड तो नहीं है। अगर रिपीटेड हैं तो आप समझ जाइए कि ये कमेंट्स, ये जो रिव्यूज हैं ये फेक हैं, ये खरीदे हुए रिव्यूज हैं। एक और बात है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसका रिटर्नेबल पॉलिसी जरूर देखें। आपको बता दें कि 2 तरह के रिटर्नेबल पॉलिसी होते हैं। एक रिफंड, रिफंड का मतलब होता है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और वो सामान आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे वापस भेज सकते हैं। आपने जो अमाउंट पे किया है उस प्रोडक्ट के लिए वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, यानी वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। और दूसरी पॉलिसी ये है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उसके जगह रिप्लेसमेंट होगी, यानी प्रोडक्ट के जगह आप कोई दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और ये चीजें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ देखने को मिलती है, लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवीज एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया है लेकिन उसका रेटिंग कम है फिर भी आपको लेने का मन कर रहा है तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि उसका रिव्यू अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर YouTube पे जाके सर्च करके देखें, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सीक्रेट चीज शेयर करने वाला हूं, वो ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है और उसका रिटर्नेबल पॉलिसी 10 दिन है और वो 10 दिन बीत चुके हैं तो भी आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप
आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वही सेम प्रोडक्ट फिर से ऑर्डर करें, फिर वो जब डिलीवर हो जाएगा तो पुराने वाले प्रोडक्ट को नए वाले डब्बे में पैक करके उसे वापस भेज दें, तो आपके पास नया वाला प्रोडक्ट रह जाएगा, फिर आप उसे यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये ट्रिक मैंने बोया M1 माइक के साथ किया था जो कि ये है, तो आप ये तरकीब अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।